रंगों का उत्सव होली की बात करें और खोया मावा से बनी गुजिया ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इंडिया का ट्रेडिशनल मिठाई बन चुकी है गुजिया और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी मेरे तरीके से बनी इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा इन द किचन। एक पैन को गैस पर रख के उसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है आपको। अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप कटी हुई काजू, 1/4 कप कटी हुई बादाम, 1/4 कप मगज और 1/4 कप कटी हुई किशमिश। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट तक हल्का कलर चेंज होने तक भून लेना है। जैसे इनका कलर चेंज हो जाए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। ड्राई फ्रूट्स को भून के इस्तेमाल करने से इसमें एक क्रंच आ जाता है और 10 दिनों तक जब स्टोर करके आप इसे खाएंगे तब भी ये क्रंची रहेगा और सोगी नहीं होगा। अब सेम पैन में डालेंगे फिर से 1 चम्मच घी। घी के डालने के बाद ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी या रवा। 2-3 मिनट तक सूजी को बहुत अच्छे से भूनेंगे। सूजी को भूनना जरूरी है ताकि इसका जो कच्चापन है ये सारे निकल जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद सूजी के साथ ऐड करेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा। 1-2 मिनट तक दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनेंगे, बट कलर नहीं चेंज करना है आपको। दोनों चीज़ों को भूनने के बाद जैसे इसमें से खुशबू आने लगे तो इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए एक तरफ छोड़ देंगे। खोए के बिना गुजिया इनकम्प्लीट। तो चलिए इंस्टेंट खोया बना लेते हैं। सेम उसी पैन में डालेंगे फिर से 1 चम्मच देसी घी। साथ में ही डालेंगे 1/2 कप दूध और 1/2 कप मिल्क पाउडर। लिक्विड मिल्क के साथ पाउडर मिल्क को बहुत अच्छे से मिक्स करके लेना है हमें। कोई भी गुठलियां न रह पाए इस बात का खास ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से मिक्स करते जाना है और 1 चम्मच देसी घी फिर से डालेंगे। जब मिक्सचर पैन को छोड़ने लगे तब इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लीजिए और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दीजिए। तो लीजिए इंस्टेंट खोया हमारा बनके रेडी है। गुजिया के लिए हमने स्टफिंग रेडी कर लिया है, तो अब चलते हैं गुजिया के आउटर लेयर बनाने के लिए मैदा को गूंथ लेते हैं। तो इसके लिए एक बोल में 2 कप मैदा लेंगे। 250 ग्राम मैदा को लिया है यहाँ पर और 1 चिमटी नमक डालेंगे। इससे खाते टाइम आपको गुजिया फीके नहीं लगेंगे। नमक को मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऐड करना है अब घी। 1/4 कप देसी घी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए मैदे के साथ घी को मोयल देना है हमें। अच्छे से मसलते हुए घी को मैदे के साथ मिक्स करके लेना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको एक सख्त आटा लगा लेना है। पानी हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक आटा हार्ड डो जैसा बना लेंगे गुजिया के लिए। रोटी पराठा जैसा नरम आटा हमें नहीं गूंथना है। आटा गूंथ लिया है, अब गीले कपड़े से आटे को कवर करके रेस्ट पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आइए आप गुजिया के लिए एक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए 5-6 हरी इलायची लेंगे। छिलका उतार के बीज को निकाल लेंगे। छिलकों को चाय बनाते टाइम आप इस्तेमाल कर लीजिए। आप 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। तो लीजिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। गुजिया को अंदर से मीठा बनाने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। 250 ग्राम गुड़ लेकर चाकू से बारीक काट लेंगे। गुड़ एक हेल्दी ऑप्शन है, इट्स बेटर देन शुगर। तो बारीक कट करने के बाद मेजरिंग कप से माप के 1 कप हुआ है आप देख सकते हैं। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप चीनी ले रहे हैं तो चीनी को मिक्सी में घुमाकर पाउडर बना लीजिए। तो चलिए अब स्टफिंग को असेंबल कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल में 1-1 कट डालेंगे भुने हुए सूजी और नारियल का पाउडर, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, बारीक कटी गुड़ या जैगरी, सौंफ, इलायची का मसाला। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आखिर में डालेंगे खोवा और कुछ फ्रेश गुलाब पेटल्स। एक टिप्स देती चलूँ यहाँ पर, आप ज़रूर ध्यान में रखें, सभी सामग्री बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर खोवा गर्म है तो गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जब आप स्टफिंग को फिल करेंगे करके फ्राई करेंगे तो गरम ऑयल के कांटेक्ट में आते ही गुजिया टूट जाएगा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से ठंडा करके ही मिक्स कीजिए। अब स्टफिंग भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब आटा देख लेते हैं। डो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। एक बार फिर से 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज देंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा फिर से गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे और दूसरा हिस्सा चकले के ऊपर रख के अच्छे से रोल करेंगे। चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। जितना छोटा बड़ा साइज का आप पेड़ा रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से कट करके लीजिए। एक टुकड़ा बाहर रखिए, बाकी टुकड़ों को ढक कर रखिए ताकि ड्राई होकर पपड़ी ना बन पाए। अब एक टुकड़ा लेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में घुमाते हुए पेड़े का आकार देंगे। रोलिंग पिन से एक पूरी के साइज का बेल लीजिए। बेलते टाइम आप अगर सूखा आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इस तरह के मोल्ड मिलता है। मोल्ड के ऊपर पूरी को रखना है। सेंटर में 2 से 3 चम्मच स्टफिंग को भरेंगे। पूरी के किनारों को पानी से ग्रीस करेंगे
और मोल्ड को अच्छे से दबाते हुए प्रेस करते हुए बंद करेंगे। एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे, मोल्ड को ओपन करके गुजिया बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से आपको सारे गुजिया बनाकर रेडी करके लेना है। गुजिया बनकर जब आप रखते जाएंगे ऊपर गीले कपड़े से कवर कर दीजिएगा ताकि गुजिया के ऊपर पपड़ी सा नहीं जम पाए। तो देख सकते हैं सारे गुजिया हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है। अब ऑयल गुनगुना गर्म है। इस गुनगुना गर्म ऑयल में एक एक कर हम गुजिया डालते जाएंगे। ऑयल में गुजिया डालने के बाद एकदम आपको करछी से नहीं चलाना है। पैन के किनारे को पकड़कर थोड़ा सा हिला दीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इन्हें आपको फ्राई करके लेना है। 15 से 20 मिनट तक का टाइम लगेगा आपको एक बैच गुजिया फ्राई होने के लिए। फ्राई होने पर आप इन्हें निकाल लीजिए, ठंडा करके फिर खाएं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।